हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। और आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। आरपीएफ का आपका 19 दिसंबर से स्टार्ट है। मैं दोबारा से आप लोगों को रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि आपके पास कितने डेज रिमेनिंग है, ठीक है ना। अब चलो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेली क्या होता है, क्लास का थोड़ा सा टाइम हमारा निकल जाता है। अभी भी वैसे थोड़ा जा चुका है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्ट अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखना फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसमें बताना है आपको ये किसको नियुक्त किया गया है। और ये 2018 के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तस्लीमा नसरीन को नियुक्त किया गया है, या फिर चंद्र मौलिक कुमार प्रसाद को, या फिर नजीब रज्जाक को, या फिर इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सीईओ अपॉइंट हुए हैं वो कौन हुए हैं, गुड। सी नहीं है भाई, अनिल इसका आंसर, उषा यादव करेक्ट, अक्षय कुमार यादव, सुनील कन्नू आंसर बिल्कुल ठीक है, पंकज आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा चंद्रमौली। चंद्रमौली जो कि अपॉइंट हुए हैं प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष, अपॉइंट हुए हैं इंडिया के। इसके साथ में ही आप लोग मुझे चलो बताओ, मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि इंडिया की जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है। मिस हमारे यहाँ पे प्रेस को कितनी फ्रीडम है रिपोर्ट करने के लिए या फिर बोलने के लिए, कितनी फ्रीडम है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, बताओ इंडिया की कितनी रैंक है। तो देखो फर्स्ट पर तो है नॉर्वे, और इंडिया की जो रैंक है वो है 138 इंडिया की रैंक है। और फिर साथ के साथ अपने पड़ोसी देश को भी नहीं छोड़ते हैं हम लोग, उसे भी देख लेते हैं, वो है 139 पर, कौन होगा, ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान। और ये जो रैंक बताई जा रही है ये आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ 180 कंट्री में है। अच्छा चलो गैस करो, बताओ कि 180 पर कौन सी कंट्री रही होगी जहां पर प्रेस को बोलने का मतलब बिल्कुल भी उन्हें फ्रीडम है ही नहीं। कन्हैया चौहान मुझे सबका कमेंट दिखता है, ठीक है, जल्दी से आंसर करके बताओ जो मैंने पूछा है। जो मैंने पूछा है वो बताओ कि कौन सी कंट्री होगी जिसमें प्रेस को बोलने का मतलब फ्रीडम एक तरह से लगा लो कि होगा ही नहीं। अरुण शर्मा गुड, इसका आंसर होगा नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वहां पर तानाशाही चलती है। चलो नेक्स्ट देखो, चलो रीजन तो पता ही होगा कि वहां पे उनकी तानाशाही चलती है, उनके खुद के ही रूल होते हैं जो कि बाकी लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वहां के न्यूज़पेपर छपते हैं। अगर वो कोई चीज जा रही है किधर वेस्ट में और उनको बोलना है कि नहीं आप ईस्ट में दिखाओ, तो भाई जो वहाँ की प्रेस है ना वो यही छापेगी कि ईस्ट में ही जा रही है। रिवर अगर वेस्ट में फॉलो हो रही है ना, तो अगर उन्होंने बोला कि नहीं ईस्ट में ही फॉलो करो, तो वो ईस्ट ही उसको आंसर करेंगे, आंसर मीन्स छापेंगे। बढ़िया है, नेक्स्ट देखो। चलो नासा का रोबोट फिनिक्स लैंड जो मंगल ग्रह पर कब पहुंचा था। राजेंद्र सिंह आप आंसर तक तो पहुंचे लेकिन करेक्ट नहीं है, है ना, किम जोन, बहुत ही दुबले पतले इंसान है, बताओ जल्दी से इसका आंसर करो। संध्या पाल आप भी नहीं पहुंच पाए आंसर तक,
सनी सिंह नॉट तो देखो सबसे पहले ये देख लो जो रोबोट फिनिक्स था इसको भेजा किस लिए था, इसको मार्स पर इसलिए भेजा था ताकि ये देख सके कि भाई वहाँ पर पानी है कि नहीं है। पानी है तो सिंपल सी बात है कि कुछ एनवायरनमेंट भी क्रिएट होगा और फिर वहाँ पर जीवन संभव है कि नहीं है, इसलिए नासा ने इसको भेजा था जो कि सिर्फ वन से शायद 1 मंथ तक के लिए ही भेजा था कि ये शायद जो भेज रहे हैं वो लोग रोबोट को ये सिर्फ 1 मंथ तक ही रह पाएगा, लेकिन इसने अपना कमाल दिखा दिया और ये 2 मंथ तक, मतलब ये जो अपने सिग्नल्स भेज रहा था 2 मंथ तक इसने वहाँ की फोटोज भेजी हैं नासा को। और इसका देखना कि ये कब भेजा गया था, ये 25 मई 2008 में भेजा गया था। ईयर तक तो आप लोग पहुँच गए, बस डेट थोड़ा सा हो गया था, 25 मई है। चलो नेक्स्ट देखो, ठीक है, ध्यान रखना इसका पर्पस भी किस लिए भेजा था, कि इसलिए देखने के लिए भेजा था कि भाई वहां पर जीवन संभव है या नहीं है, ये देखने के लिए भेजा था। थर्ड देखना, किस मलयालमी अभिनेत्री को टेक ऑफ फिल्म के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला है? शरद यादव, गुड, आपका करेक्ट हुआ है। तो बताओ ये पार्वती को मिला है, भूमिका शर्मा को मिला है, आंचल ठाकुर को मिला है या फिर इनमें से कोई नहीं? लग रहा है सबका तुक्का चल रहा है बी और सी में, है ना? देखो जो भूमिका शर्मा है ना, इन्हें वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी ना, भूमिका शर्मा की बात कर रही हूँ, जो कि वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल थी जो कि मतलब जीती थी उसमें, ठीक है। और जो आंचल ठाकुर हैं ये इंटरनेशनल स्कीइंग में मेडल जीता था इन्होंने इंडिया के लिए, और ये फर्स्ट ऐसी बनी थी जिन्होंने स्कीइंग में मेडल जीता था इंटरनेशनल लेवल पर जो हुआ था। अब आंसर कौन सा बचा है? पार्वती। तो इसका आंसर जिन्हें क्या मिला है, सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला है, वो कौन है? वो है पार्वती एक्ट्रेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, फोर्थ, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन में मैन सिंगल्स का जो खिताब किसने जीता है, पुरुष एकल में, पुरुष एकल का जो खिताब जीता है 2018 का ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये किसने जीता है? ओके, रोजर फेडर ने जीता है, ठीक है, रोजर फेडर ने जीता है। सबका आंसर फर्स्ट है, फर्स्ट है, फर्स्ट है ना, ठीक है। मैक्सिमम सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अब देखो हर साल ना 4 ओपन होते हैं जो कि टेनिस के हैं, एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन और एक होता है यूएसए ओपन। इनका टाइम देखना, ये होता है जनवरी में और इसका जो टाइम होता है ये होता है मई और जून के मंथ में, मीन्स इसके बीच हो जाता है, और इसका होता है जून एंड जुलाई, और जो यूएसए का होता है, यूएस ओपन होता है, ये होता है
अगस्त एंड सितंबर के मंथ के बीच में। अब देखो मंथ है कौन सा, आंसर करने आप बंद कर दो। अब एक बार सामने देखो जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया जो ओपन है ये जनवरी के मंथ में होता है, फ्रेंच वाला ओपन मई और जून के मंथ में होता है, विंबलडन ये होता है जून और जुलाई के बीच में, और जो यूएसए है ये अगस्त और सितंबर के बीच में होता है। मीन्स अब तक ये चारों के चारों हो चुके हैं, तो अब देखना कि कौन सा किसने जीता है। ये वाला जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये रोजर फेडर ने जीता है, और जो फ्रेंच ओपन है ये जीता है राफेल नडाल ने, और जो विंबलडन है ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, और जो यूएसए ओपन है ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। एक बार इमेज ठीक है, देखो ध्यान रखना ये चीज, ये जो कि मेंस सिंगल में जीता है, मेंस सिंगल्स में जो जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन रोजर फेडर ने जीता है, फ्रेंच राफेल नडाल ने जीता है, और जो विंबलडन और यूएसए है ये दोनों ही नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। क्लियर है? अब फीमेल का देखना एक बार, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है ये जीता है कैरोलिन ने। क्लियर है? और जो फ्रेंच जीता है ये जीता है सिमोना हेलेप ने, और जो विंबलडन जीता है ये जीता है एंजोली, ये जीता है एंजोलिक ने, और जो यूएसए ओपन जीता है ये जीता है नाओमी ओसाका ने। और नाओमी ओसाका के बारे में ध्यान रखना, ये जो जापान की फर्स्ट लेडी बनी है जिन्होंने यूएसए ओपन टूर्नामेंट जीता है, और सेरेना विलियम्स को हरा कर नाओमी ओसाका ने ये खिताब जीता है। क्लियर है? इसमें से ना क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछा जाता है, तो ये अच्छे से नोट कर लेना चीज, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट देखो, चलो नाम सेम है हिंदी में भी, कैरोलिन सिमोना एंजोलिक और नाओमी ओसाका। नाम को कैसे याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आगे का वर्ड याद कर लिया करो। ऑस्ट्रेलिया का ए का सी के साथ कनेक्शन करके, एफ का एस के साथ कनेक्शन करके, और डब्लू का ए के साथ। वैसे नाम के वर्ड तो देखो सी एस ए एन, एन सबसे लास्ट में आता है, नहीं उससे पहले ऐसा जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, कहीं कहीं बार ना हैंड राइटिंग करके याद कर लिया करो। वर्ल्ड टूरिज्म डे किस दिन मनाया जाता है, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, या फिर 8 सितंबर को, या फिर 15 सितंबर को, या फिर 16 सितंबर को, जल्दी से आंसर करके बताओ। गुड, इसका जो आंसर क्या होगा, जो कि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। और साथ के साथ ये भी देखना, पहले आप लोग आंसर करो, मुझे ये बताओ कि 16 सितंबर को जो होता है, होप ये वाला तो आपको क्लियर होगा, 16 सितंबर को जो होता है उसका बताओ कि उस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा आराम से कराती हूँ, आपको बताना है 16 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। ट्वेंटी सेवन का क्लियर हो गया, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है।
गुड। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, और साथ के साथ 15 का भी ध्यान रखना, इस दिन इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है, एंड 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड लिटरेसी डे किस दिन 8 सितंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड लिटरेसी डे। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है, और 8 सितंबर को इंटरनेशनली लिटरेसी डे मनाया जाता है, और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। चारों पॉइंट्स ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, चलो हाँ, साक्षरता दिवस हिंदी में बोलते हैं, वर्ल्ड लिटरेसी डे को साक्षरता दिवस, जो कि किस दिन है 8 सितंबर को है, लिख दिया मैंने साक्षरता, मीन्स सभी को साक्षरता प्रोवाइड होनी चाहिए, सभी पढ़े लिखे होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, बेबाक बात किताब किसने लिखी है, विजय गोयल ने लिखी है, डॉक्टर गुलाब ने, कोठारी ने, या फिर डॉक्टर गौतम चटर्जी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। है ना, आज 1 दिसंबर है जिस दिन एड्स डे मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ये इम्पोर्टेंट बुक है जो कि बेबाक बात है, क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर ने लिखी है, और वो कौन है, वो है विजय गोयल। विजय गोयल ने ये बुक लिखी है, कौन सी, बेबाक बात, और देखना जो कि गौतम चटर्जी हैं, इनकी बुक है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, मिस इन्होंने मास के फील्ड में किस तरह से डेवलप किया है, उस चीज के बारे में जो कि प्रेस वाला एरिया होता है ना, उसमें किस तरीके से इन्होंने चीज़ों को डेवलप किया है, किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई हैं इंडिया के अंदर, वो सब चीज़ें इस बुक में दिखाई हैं। किसकी बुक है ये, गौतम चटर्जी की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, और जो गुलाब कोठारी है इनकी भी बुक देख लेना, इनकी है ज्वेलरी, वैसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी की जो दो किताबें हैं ना इनका याद रखना। नेक्स्ट देखो, 7 अच्छा, जो गुलाब कोठारी हैं उनकी जो बुक है वो है ज्वेलरी, और जो कि विजय गोयल हैं उनकी बुक है बेबाक किताब, और जो गौतम चटर्जी हैं उनकी है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम सभी का। हाँ, मतलब ज्वेलरी को कोठरी में रखेंगे, इससे याद कर सकते हैं उनकी बुक को, गुलाब कोठारी की जो बुक है ज्वेलरी, तो ज्वेलरी को कहाँ रखेंगे, कोठरी में रखेंगे। चलो नेक्स्ट, इसका बताना है, इसका जो आंसर सभी लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये होगा 6 मंथ। और आप लोग अब मुझे आंसर करो, मैं पूछ रही हूँ कि संसद में कितने सत्र होते हैं, जो सेशन होते हैं पार्लियामेंट में वो कितने सेशन होते हैं, एक ईयर में कितने सेशन होते हैं,
वन ईयर में कितने सेशन होते हैं ये आप लोगों को बताना है। देखना, वन ईयर में तीन सेशन होते हैं जिन्हें की सत्र बोला जाता है। एक है बजट, दूसरा होता है मानसून वाला और थर्ड होता है शीतकालीन वाला, जो कि विंटर वाला बोलते हैं। वैसे तो बजट वाले सेशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनके बीच में 3 से 4 हफ्ते का गैप होता है। और अगर हम नॉर्मली देखें तो हम तीन सेशन ही बोलेंगे, एक है बजट वाला, एक मानसून वाला और एक शीतकालीन वाला। नेक्स्ट देखो, चलो और पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल कौन सा है मैं बता देती हूँ। पार्लियामेंट के लिए जो आर्टिकल है वो 79 है, 80 जो कि राज्यसभा के लिए है और 81 जो कि लोकसभा के लिए है। राज्यसभा एंड ये संसद। और इसको भी याद रखने की ट्रिक है सरला, सेफ फॉर संसद, आर फॉर राज्यसभा और एल फॉर लोकसभा, जिनके आर्टिकल हैं 79, 80 और 81। ठीक है, ये बताओ कि राष्ट्रपति आंग्ला भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। लोकसभा की बात हो रही है, राज्यसभा में बताओ। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने करते हैं नॉमिनेट, इसका जो आंसर है, जो कि लोकसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, इसका आंसर है 2। लोकसभा में तो राष्ट्रपति 2 मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में कितने मनोनीत करते हैं वो भी बताओ। राज्यसभा में 12 मनोनीत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना, जो कि अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि साइंस हो गया, आर्ट हो गया, उसमें क्या होते हैं ये लोग, राज्यसभा वाले लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखना 9, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताओ जल्दी से आंसर करो। क्लियर है, कितने ईयर का होता है, इसका होता है 6 ईयर का और लोकसभा का कितना होता है 5 ईयर का। और ये देखना कि जो स्थाई पूछी जाती है कि किसे मतलब भंग नहीं किया जा सकता, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और जो लोकसभा है इसके सत्र को भंग किया जा सकता है। इसमें जो निर्वाचित होते हैं वो लोग 5 ईयर्स के लिए निर्वाचित होते हैं और इसमें 6 ईयर के, बट देखना कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर यहाँ से रिटायर होते रहते हैं, इस वजह से ये भंग नहीं हो पाता, क्योंकि हर 2 साल में तो वहाँ के जो मेंबर हैं वो रिटायर होते रहते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखना 10 देखो, रीजन भी ध्यान रखना कि क्यों भंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूछा जा चुका है, क्योंकि हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो हैं राज्यसभा के वो रिटायर होते रहते हैं। टेन देखो, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में
सक्षम कौन है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, संसद है या फिर सर्वोच्च न्यायालय है? जल्दी से करो, अभी हम 10 क्वेश्चंस पे पहुंचे हैं और 29, 10:30 हो चुके हैं। पार्लियामेंट है इसका जो आंसर है वो है संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद संसद को है, लेकिन संसद के बाद वो सर्वोच्च न्यायालय में भी रिपोर्ट जाती है। ये देखना कि अगर सर्वोच्च न्यायालय उसे वापस भेज दे, मीन्स उसमें होने वाले संशोधन को रोक दे, तो वो वापस दोबारा से संसद में जाता है। जो अप्रूव होता है ना वो सर्वोच्च न्यायालय से होता है, लेकिन संशोधन का जो अधिकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय को ना हो करके वो किसे होता है, वो संसद को ही होता है। नेक्स्ट देखना 11। इसका जो आंसर है ना वो थर्ड ही है, संसद ही है, बट जो अप्रूव होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर ही होता है, सुप्रीम कोर्ट में। 11 देखना, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर केरल? मे भी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इसका जो आंसर क्या होगा, झारखंड इसका आंसर होगा। कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये मुंडा जो जनजाति है उसी से ही बिलोंग करते हैं। इनके बारे में बताऊं कि ये छोटा नागपुर में इनका, देखो सुनना ध्यान से। ओके पंकज, आप झारखंड से ही हो, ठीक है। अब सुनो थोड़ा सा इनके बारे में, थोड़ा सुन लो। जो बिरसा मुंडा थे ये मुंडा जनजाति से ही बिलोंग करते हैं, और इनका मे बी 75 के आसपास इनका बर्थ हुआ था। उसके बाद इन्होंने, देखना ये भले ही जनजाति से बिलोंग करते थे लेकिन ये ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं। उसके बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब इन्होंने देखा कि जो अंग्रेज थे वो जबरदस्ती आदिवासी जो थे उनसे मैक्सिमम लगान वसूल करते थे, या फिर जबरदस्ती उनसे एज अ, जैसे कि दासों से काम करवाया जाता है, ऐसे उनसे काम करवाया जाता है, तो जो बिरसा मुंडा थे इन्होंने लोगों को, कह सकते हैं इन्होंने लोगों को मतलब अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया, बल्कि समर्थन किया, ताकि जो अत्याचार अंग्रेज लोग कर रहे थे मुंडा जनजाति पर, बल्कि मैक्सिमम उधर की सभी जनजाति पर जो कि छोटा नागपुर की तरफ है, तो इनके जो लीडर हुए थे जिन्होंने आवाज उठाई थी वो बिरसा मुंडा ही थे। और जो ये झारखंड है, झारखंड में बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से भी बुलाते हैं, बल्कि इन्हें जैसे कि जयललिता को तमिलनाडु में एक देवी के रूप में मानते हैं, मतलब पूजते हैं, ऐसे ही बिरसा मुंडा को झारखंड में देवता के रूप में पूजा जाता है, वो लोग इन्हें भगवान मानते हैं, ठीक है। और देखना कि जब 1894 के आसपास इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, और उसके बाद 95 में ही सिर्फ, मतलब एक साल तक ही सिर्फ चिल्ला पाए थे, उसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया था और जेल में डाल दिया था। उन्होंने दिखाया कि इन्हें की जो डेथ है वो 2 साल के बाद हैजा से हो गई थी, बट माना जाता है कि अंग्रेजों ने इन्हें जेल में जहर दिया था, जो भी है, बट जेल के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो, 11, 12, सॉरी। भू आबा भी बोला जाता है। अच्छा धरती आबा ही है, धरती आबा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है। मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था,
या फिर मतलब ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। मोपला विद्रोह जो है वो केरल में नहीं हुआ था, या फिर कूका विद्रोह जो है वो पंजाब में नहीं हुआ था, या फिर कोली विद्रोह गुजरात में नहीं हुआ था, या फिर चुआर जो विद्रोह है वो पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था। तो देखो जो मोपला विद्रोह है इसके बारे में तो ध्यान ही रखना, ये केरला में ही हुआ था, और जो कूका विद्रोह है ये भी पंजाब में ही हुआ था, और जो कोली विद्रोह है ये गुजरात में ही हुआ, जो गुजरात में ये वाला नहीं हुआ था, कोली विद्रोह जो है ये करेक्ट नहीं है, ये गुजरात में ना हो करके महाराष्ट्र में हुआ था। बाकी जो चुआर विद्रोह है ये भी पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। नेक्स्ट देखना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? सरस्वती प्रसाद बने हैं, शांतनु नारायण बने हैं, आदर्श कुमार गोयल बने हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताओ जल्दी से। ये आपकी सिर्फ करंट अफेयर की नहीं है, ये जो क्लास हो रही है आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हो रही है। आरपीएफ एंड एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके लिए ये क्लास हो रही है, सिर्फ करंट अफेयर की ही नहीं हो रही है। बट वो है कि एग्जाम्स में इस ईयर सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आए हैं, तो इसलिए करंट अफेयर सबसे ज़्यादा रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। इसका जो आंसर है वो सरस्वती प्रसाद है। जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एज आ एमडी और अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। और जो आदर्श गोयल हैं इनके बारे में ध्यान रखना, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। कौन? आदर्श कुमार गोयल इस ईयर ही अपॉइंट हुए हैं। और शांतनु नारायण के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, ये एडोब कंपनी के एज अ चेयरमैन और एमडी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना स्टील अथॉरिटी के कौन है? सरस्वती प्रसाद है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल, और एडोब कंपनी के जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है शांतनु नारायण, ये एडोब कंपनी के अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट देखना, मार्कर से दिख नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथकली किस राज्य का डांस है, नृत्य है, ये बताना है आपको। उत्तर प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, या फिर केरल का है? गुड, इसका जो आंसर क्या होगा? केरला होगा। सही है, मैक्सिमम जो है सभी का आंसर ठीक है। अब एक बार जरा सामने देख लो, ये किसका है? कथकली जो है ये केरल का डांस फॉर्म है, और साथ में एक और डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम, जिसे कौन परफॉर्म करता है? श्रीदेवी और हेमामालिनी मोहिनी अट्टम को परफॉर्म करती हैं डांस को। उसके बाद देखना उत्तर प्रदेश जो कथक है
वो कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु का देखना भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में होता है। और कर्नाटक में यज्ञ गान कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। मोहिनीअट्टम के बारे में ध्यान रखना, अगर इसमें पूछा जाए हेमा मालिनी और श्रीदेवी ये पॉपुलर हैं बहुत ही मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म के लिए। नेक्स्ट देखना, है ना रासलीला, एक तो कथक है और रासलीला है जो कि यूपी में होते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थिनीज को कहा जाता है, या फिर हेरोडोट्स को, या फिर हिपार्कस को, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो अब देखना, एक बार देखो, जो हेरोडोट्स हैं इन्हें हिस्ट्री का जनक, किसकी बात कर रही हूं मैं? हेरोडोट्स की। जो हेरोडोट्स हैं इन्हें हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। और जो इरेक्टोस्थनीज हैं, इन्हें कहा जाता है भूगोल का, भूगोल का जनक कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। ठीक है, 15 का जो ऑप्शन ए है वो आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है, जो कि मैक्सिमम सभी का आ रहा है। हेरोडोट्स के बारे में भी ध्यान रखना, इन्हें हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। अब उसके बाद आगे देखना, पृथ्वी के भूपरपटीय में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा, क्रोमियम, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर पोटेशियम। तो देखो ये जो चीज़ है मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करके नहीं बताऊँगी, क्योंकि ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों की हो चुकी है और वहाँ पर मैंने ये कराया था। एल्यूमिनियम इसका आंसर होगा आपका, एल्यूमिनियम। पृथ्वी की भूपरपटी में जो सबसे ज्यादा तत्व जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो एल्यूमिनियम है। क्लियर है? नेक्स्ट देखना, और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैं करा चुकी हूँ ज्योग्राफी में। नेक्स्ट देखना, 17। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती हैं? कर्क रेखा के, भूमध्य रेखा के, मकर रेखा के, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर पाई ही नहीं जाती। इनमें से कोई नहीं का मतलब है कि पाई ही नहीं जाती। अभी क्वेश्चंस बना है तो सिंपल सी बात है, पाई तो जाती होंगी, तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। ये जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था, इसके लिए पूरा भूगोल का मैप बनाकर तब समझाया था। जो शांत पेटी है ये भूमध्य रेखा, नेक्स्ट देखना, ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती हैं। ध्यान रखना, जो शांत पेटी है ये भूमध्य रेखा के, इक्वेटर लाइन के दोनों ओर पाई जाती हैं। अनुच्छेद 123 के बारे में मैंने कल भी बताया था कि उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। उसके अंतर्गत जब कभी संसद अपने सत्र में ना चल रही हो और कोई अर्जेंटली कोई कानून पास करना हो, फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि नॉर्थ कोरिया में होता है तानाशाही के लिए बोल दें कि भाई सबको अगले दिन से सूरज को जल देना है सुबह के टाइम, तो ये कानून ही पास करवाना है, मीन्स कंपलसरी है सबको ही देना है। तो इसके लिए फिर और जो संसद है उसका सत्र नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है कि हाँ भाई सभी कोई सुबह को उठकर सूरज को जल देना है। डोंट वरी, हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आज। नेक्स्ट देखो, विश्व का सबसे ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है कटापेक्सी, ये कहाँ स्थित है? भारत में है, जापान में है, जर्मन में है या फिर इक्वाडोर में है? राहुल आंसर बिल्कुल ठीक है, कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। मार्क, विश्व का मिस वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट वोल्केनो माउंटेन पीक है वो इक्वाडोर में है। और ये देखना, भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, एक है नारकोंडा और एक है बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार, वैसे तो आसपास है बट अगर ऑप्शन में आए कि कहाँ पर है तो ये अंडमान एंड निकोबार में मानी जाती है बैरन ज्वालामुखी, जो कि 2017 में सक्रिय भी हुई थी, इसलिए इसे 2017 से बैरन ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी भी माना जाता है। ठीक है, उससे पहले ये नॉन एक्टिव थी बट 2017 में ये जो वोल्केनो है ये एक्टिव हो गई। कौन सी? बैरन। एंड अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक भी देख लेना, सैडल, सैडल जो है अंडमान निकोबार में जो हिल्स है ना उसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो सैडल है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्न में से लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डोन नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे, पो नदी के किनारे या फिर अमूर नदी के किनारे? तो देखना, टेम्स जो है, टेम्स के किनारे जो शहर है वो है लंदन। और पहले टेम्स को भी एज अ बिजी रिवर माना जाता था, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन सी रिवर है? राइन रिवर है एज अ बिजी रिवर। और देखना जो डोन रिवर है, इनके बारे में भी देख लेना, डोन, जो डोन रिवर है ये रशिया की रिवर है, और जो पो रिवर है ये इटली की रिवर है। एंड जो अमूर रिवर है, इसके बारे में भी देखना, जो अमूर रिवर है ये मंगोलिया से तो निकलती है, जो कि एशिया में है, मंगोलिया से निकलती है। और मंगोलिया का एरिया देखना, चाइना एंड रशिया के बीच में बहुत छोटा सा ही कंट्री है मंगोलिया, तो वहां से ये निकलती है और ये नीचे चाइना एंड रशिया में बहती है। कौन सी? अमूर नदी। मंगोलिया से निकलती है। नेक्स्ट देखो, चलो 20, और भाई वीडियो को लाइक जरूर करते रहो ताकि आप लोगों का फीडबैक पता चलता रहे। एंड साथ के साथ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि आप लोगों को जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड कर सको, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो साथ के साथ ही आप सॉर्ट आउट कर सको टीचर्स के साथ में। चलो नेक्स्ट देखो, शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु कौन है? शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो हैं रामदास, और जीजाबाई जो हैं वो इनकी माता थी, एंड शाहजी भोसले इनके फादर थे, और दादा कोंडदेव भी इनके गुरु थे।
बट जो इनके आध्यात्मिक गुरु हैं उनके बारे में ध्यान रखना, वो रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और इनके टाइम पे एक पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखना। अच्छा ये बताओ कि शिवाजी को जो राजा की उपाधि दी थी, इसी में आप लोग मुझे बताओ कि शिवाजी को जो राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी। अंशुल ठाकुर नीचे कमेंट करके बताना। देखो शिवाजी को जो राजा की उपाधि दी थी वो औरंगजेब ने दी थी और साथ के साथ इन्हें पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की भी उपाधि दी थी। किसे दी थी? शिवाजी को दी थी। और किसने? औरंगजेब ने दी थी। ध्यान रखना ये तीनों नाम, पहाड़ी चूहा, साहसी डाकू और राजा, ये तीनों नाम औरंगजेब ने शिवाजी को दिए थे। नेक्स्ट देखो, द्वैत शासन प्रणाली जो है ये किसने शुरू की थी। ओके सौरभ, आई विल ट्राई। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने, वेलेजली ने, डल होजी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। देखना, जो द्वैत शासन प्रणाली थी ये क्लाइव ने स्टार्ट की थी। द्वैत शासन प्रणाली जिसे कि डायरकी के नाम से भी जाना जाता था, द्वैत शासन प्रणाली। एंड इनके बारे में देखना, वेलेजली इन्होंने सहायक संधि की जो नीति चलाई थी वो किसने चलाई थी? लॉर्ड वेलेजली ने चलाई थी। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो पता ही होगा कि इन्होंने डॉक्ट्राइन लैप्स की नीति चलाई थी कि जिनके वंश में कोई भी आगे वंश चलाने के लिए नहीं है तो उनके राज्य को ये हड़प लेते थे। और वेलेजली जो कि सहायक संधि करके अपने सैनिकों का भी खर्चा उसी राजा से ही उठवाते थे। और इनके बारे में ध्यान रखना, डलहौजी के बारे में इन्होंने 1854 में डाक सेवा भी शुरू की थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, है ना, डलहौजी को जहरीला भी बोला जाता था, जहरीला व्यक्ति। डलहौजी को जहरीला व्यक्ति भी बोला जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर करो। निम्न में से किस देश की जो मुद्रा है वो डॉलर है? जो ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी कैपिटल है कैनबरा, उसकी ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर। और अगर मैं ऑस्ट्रिया की बात करूं तो ऑस्ट्रिया में जिसकी कैपिटल है वियना एंड यहां पर यूरो चलता है। और जो स्पेन है, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है एंड यहां पे भी यूरो ही चलता है। उसके बाद देखना क्रोशिया के जो कि लुका मॉड्रिक रहे हैं, जो कि फाइनल में हार गई थी, फाइनल में ये रन अप टीम थी जो कि हार गई थी, और से जो जीती थी फिफा ने उसमें फ्रांस की टीम जीती थी। बट इनके बारे में ध्यान रखना, जो क्रोशिया से थे वो लुका मॉड्रिक थे, जिन्हें की गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिला था। और क्रोशिया की जो कैपिटल है वो है जैगब्रा
जैकब्रा यहाँ की कैपिटल है एंड यहाँ की करेंसी देखना कूना, क्रोशिया की करेंसी है। बाकी हम लोग अपनी क्लास जो है कल कंटिन्यू करेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करो एंड जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।